वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ डॉक्टर सुमन शर्मा। टूडे वी विल नो अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। एज यू नो, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड प्रोटेक्शन ऑफ 1,2 एंड 1,3 डायोल्स। टूडे दिस लेक्चर वॉज ऑल्सो कंसर्न with the protection of carbonyl group. Students, you are very much familiar with the carbonyl group. So let us start the lecture. Protection of carbonyl groups in aldehyde and ketones, right? Now first question arises, why must a carbonyl group be protected? Carbonyl group को क्यों protect करते हैं? Because it can be reduced. क्योंकि ये आसानी से अपचयित हो जाता है. It reacts with reducing agents. ठीक है, ये जो है reducing agents के साथ react करता है, right? Second thing is because it is an electrophilic site, ठीक है ना, it is an, या इसके पास जो है एक electrophilic site होती है जिसके कारण it's react with nucleophiles, ये nucleophile से react करता है, right? Then acetals and ketals as protective group, right? The acetal ketals protective group is introduced by treating the carbonyl compounds with an alcohol, an ortho ester or a diol in the presence of a Lewis acid as catalyst, right? Acetal and ketals are stable to strong aqueous bases, nucleophilic reducing agents, organometallic reagents, oxidation under non-acidic conditions, sodium or lithium or NH3 reductions, right? Acetals and ketals are cleaved by acid catalyzed hydrolysis, right? These are the conditions with acetals and ketals as protective group towards carbonyl group, right? Come to the next slide. General order of reactivity of various carbonyl groups, right? बहुत सारे कार्बोनाइल्स जो ग्रुप हैं उनकी जो रिएक्टिविटी होती है, क्रियाशीलता होती है, वो इस तरह से बढ़ती है, राइट? और ये हमने यहाँ पर दिखा रखा है, प्रोबेबली ड्यू टू द स्टीयरिक इफ़ेक्ट, ठीक है ना? रिएक्टिविटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है? स्टीयरिक इफ़ेक्ट पर डिपेंड करती है, राइट? ये सबसे ज़्यादा जो है रिएक्टिव होगा RCHO, उसके बाद में ये कीटोन RR-C OO, ठीक है? उसके बाद में आता है आपका ये साइक्लिक कीटोन, राइट, 6 मेंबर, फिर आता है 5 मेंबर कीटोन, एंड देन इट इज़ अ लास्ट जो है इसकी जो रिएक्टिविटी है वो सबसे कम होती है, ये क्या है, ओपन चेन जो है एल्डिहाइड है, राइट? 1,3 dioxanes, ठीक है, इट्स अ 6 मेंबर रिंग, हाइड्रोलाइज फास्टर देन द करस्पॉन्डिंग 1,3 dioxolanes, इट्स अ 5 मेंबर रिंग एसिटल, ठीक है? यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि 1,3 dioxanes जो कि 6 मेंबर रिंग होती है उसका जो हाइड्रोलिसिस होता है वो तेज होता है, फास्टर होता है इन कंपैरिजन टू 1,3 डाई ऑक्सीलेंस
जो कि 5 मेंबर रिंग है एसिटल की. ओके, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. फिर आता है प्रिपरेशन ऑफ एसाइक्लिक कीटल्स एंड एसिटल्स. राइट, एसाइक्लिक एसिटल्स इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद मोनोहाइड्रिक एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl. राइट, सबसे पहले जो है हम एसाइक्लिक कीटल्स और एसिटल्स को कैसे बनाते हैं ये यहाँ पर समझा रखा है. फर्स्ट एसाइक्लिक कीट एसिटल्स हैं, उसका जो स्टार्टिंग मटेरियल है बनाने के लिए वो हम एल्डिहाइड काम में लेते हैं. ठीक है, एल्डिहाइड की रिएक्शन जब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल राइट जैसे कि इथेनॉल और इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस किया जाता है तो यहाँ पर फर्स्ट जो है वो अनस्टेबल हैमी एसिटल बनता है. राइट, इट्स अ अनस्टेबल कंपाउंड. फर्दर इसकी रिएक्शन जब हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल लाइक इथेनॉल और HCl ड्राई HCl गैस से करते हैं तो यहाँ पर जो है ये जो है एसिटल्स का फॉर्मेशन हो जाता है. राइट, एसाइक्लिक कीटोन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड विद मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स अंडर द सेम कंडीशन ऑफ एसिटल्स फॉर्मेशन. राइट, जो अभी हमने पहली स्लाइड के अंदर बताया है कि जो रिएक्शन होती है एसिटल्स बनाने के लिए एल्डिहाइड के साथ वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से होती है और ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में होती है. लेकिन यदि हमको एसाइक्लिक कीटोन बनाना है तो उसके अंदर यदि हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल काम में लेते हैं सिमिलर कंडीशंस के अंदर तो एसिटल का फॉर्मेशन नहीं होता है. ठीक है, बिकॉज ऑफ द अनफेवरेबल एंट्रोपी. ठीक है ना, ये क्या है, अनफेवरेबल एंट्रोपी के कारण जो है ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं होती है विद विच द इक्विलिब्रियम टूवर्ड्स द कीटोन्स. सो एसाइक्लिक कीटल्स आर प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कीटोन्स विद इथाइल ऑर्थो फॉर्मेट इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl. राइट, तो ये जो रिएक्शन है इसका हमको दूसरा पाथवे लेना पड़ता है. वो क्या होता है कि यहाँ पर हम जो कैटलिस्ट है वो क्या काम में लेते हैं, इथाइल ऑर्थो फॉर्मेट इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl. राइट, इट इज़ अ एसीटोन. इसकी रिएक्शन जो है हम करवाते हैं इथाइल ऑर्थो फॉर्मेट और NH4Cl के साथ तो यहाँ पर हमको जो है वो जो है एसाइक्लिक कीटल मिलता है. राइट, फिर आता है प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप्स एज एसिटल्स एंड थायो एसिटल्स. राइट, प्रोटेक्शन एसिड कैटेलाइज फॉर्मेशन ऑफ एसिटल्स. राइट, हियर इज द रिएक्शन. ये क्या है, ये जो है इट्स अ एल्डिहाइड. इसकी जब रिएक्शन हम ऑर्थो एस्टर के साथ कराते हैं तो ये हमको फाइनली ये प्रोडक्ट मिलते हैं. सेकंड जो रिएक्शन है उसके अंदर हम 2-2 डाई मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है, ये काम में लेते हैं तो भी हमको ये प्रोडक्ट मिलता है. और यहाँ पर जो है ये जो रिएक्शन है ये क्या है, एसिड कैटेलाइज एक्सचेंज विद अ कीटन. ओके, ये जो रिएक्शन है दैट इज़ एसिड कैटेलाइज. और थर्ड जो रिएक्शन है उसके अंदर हम ROSIME3 की रिएक्शन करवाते हैं कार्बोनाइल ग्रुप के साथ में तो यहाँ पर ये क्या है, ट्राई मिथाइल सिलाइल ट्राई फ्लोरो मिथाइल सल्फोनेट, तो हमको ये प्रोडक्ट मिलता है. राइट, अब यहाँ पर आता है डी प्रोटोनेशन की क्या कंडीशन है, द कार्बोनाइल ग्रुप कैन बी डी प्रोटोनेटेड बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस बाय द जनरल मैकेनिज्म फॉर एसिटल हाइड्रोलिसिस. ठीक है, ये जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस रिएक्शन के अंदर.
right? The carbonyl group can be deprotonated by acid catalyzed hydrolysis by the general mechanism for acetyl hydrolysis. और ये होता है LiBF और CH3CN की प्रेजेंस में, राइट. कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. फिर आता है सेकेंड नॉन हाइड्रोलिटिक कंडीशंस. यहाँ ये क्या है, बीटा हेलो एल्कोहल्स यदि हम लेते हैं तो. ओके, ये है फर्स्ट है इसके अंदर प्रोटेक्शन, ठीक है. ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, जब इसकी रिएक्शन 3-bromo-1,2-dihydroxypropane के साथ की जाती है एसिड कैटेलाइज, तो यहाँ पर ये प्रोटेक्ट फॉर्म होता है. सिमिलर जो है सेकेंड रिएक्शन जो है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ की जाती है विद 2,2,2-trichloroethanol एसिड कैटेलाइज रिएक्शन, तो हमको ये प्रोडक्ट मिलता है. ओके, तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, आपका प्रोटेक्शन. फिर आता है डी प्रोटेक्शन. इसके अंदर क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन होता है. ये रिएक्टेंट है, इसकी रिएक्शन जब जिंक की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो यहाँ पर हमको कार्बोनाइल कंपाउंड मिलता है और अल्कोहल अलग हो जाता है. सेकेंड जो रिएक्शन है वो जो है हमने इसके साथ करी है, ठीक है. ये क्या है, ये इसका जब इसका डीप्रोटोनेशन होता है तो ये कंपाउंड बनता है, और इसका जब डी प्रोटेक्शन होता है जिंक और THF की प्रेजेंस में, तो ये कंपाउंड मिलते हैं. ओके, ये है प्रोटेक्शन और ये है डी प्रोटेक्शन. ओके, फिर आता है नॉन एसिड कंडीशन. पहली वाली जो स्लाइड थी उसके अंदर एसिड कंडीशन थी, यहाँ पर है नॉन एसिड कंडीशंस. ये है प्रोटेक्शन कार्बोनाइल ग्रुप. ये है मरकैप्टो इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ BF3 वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है हीट करने पर, और यहाँ पर 1,3-oxathiolane बनता है, राइट. ये है डी प्रोटेक्शन. इसके अंदर जो है ये रिएक्शन होती है यहाँ पर रेनिनिकल की प्रेजेंस में, तो हमको ये कंपाउंड मिलता है कार्बोनाइल कंपाउंड. और ये क्या है, क्लोरामीन टी. ओके, जब यहाँ पर जो है ये X=ClNSO2-, यहाँ से रिएक्शन का ये स्टार्टिंग मटेरियल है और फाइनल प्रोडक्ट हमको ये मिलता है. डायरेक्ट इसकी रिएक्शन जब रेनिनिकल के साथ कराई जाती है तो भी हमको कार्बोनाइल कंपाउंड मिलता है, राइट. फिर आता है प्रिपरेशन ऑफ साइक्लिक एसिटल्स एंड कीटल्स. ये हमने बहुत सारी रिएक्शन देकर बता रखी है कि साइक्लिक एसिटल कैसे बनता है. ये है ग्लाइकोल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl वी गेट एसिटल. सेकेंड रिएक्शन जो है वो क्या है, इट्स अ ये है जहाँ पर जो है अल्कोहलिक जो ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ है, ये फिनोलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसकी जब रिएक्शन जो है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ की जाती है तो यहाँ पर HCl की प्रेजेंस में तो हमको ये प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है. ये क्या है, ब्रांच जो है वो फिनोलिक ग्रुप है, इसकी जब रिएक्शन कार्बोनाइल के साथ की जाती है HCl गैस की प्रेजेंस में तो ये जो हमको एरोमेटिक जो है ये कंपाउंड मिलता है, राइट. फिर और भी हमने जो है एग्जांपल दे रखे हैं, इस रिएक्शन को हम ट्राईथाइलामीन की प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमें ये कंपाउंड मिलता है. फिर इसकी फर्दर जो है कार्बोनाइल ग्रुप है, इसकी रिएक्शन जो है यहाँ पे ड्राई HCl गैस के साथ की जाती है तो हमको साइक्लिक कंपाउंड मिलता है. तो ये क्या है, प्रिपरेशन ऑफ साइक्लिक एसिटल एंड कीटल्स. ओके, फिर आता है थायोएसिटल एंड थायोकीटल्स एज प्रोटेक्टिव ग्रुप. पहली वाली जो है अपनी हमने जो है स्लाइड्स के अंदर पढ़ा एसिटल्स एंड कीटल्स एज प्रोटेक्टिव ग्रुप, और ये क्या है, थायोएसिटल एंड थायोकीटल्स एज प्रोटेक्टिव ग्रुप. थायो मीन्स सल्फर, प्रेजेंस ऑफ सल्फर, राइट. थायोएसिटल्स एंड थायोकीटल्स आर क्वाइट स्टेबल टूवर्ड्स हाइड्रोलिसिस. देयर इज नो स्पेशल नीड टू रिमूव द H2O फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है ना. यहाँ पर क्या कंडीशन होती है कि इनका जो हाइड्रोलिसिस होता है वो जो है कीटल्स और एसिटल्स की प्रेजेंस में अधिक स्टेबल होता है, और यहाँ पर हमको कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हमको वाटर जो है वो रिमूव किया जाए ड्यूरिंग द रिएक्शन. ओके,
फिर आता है प्रिपरेशन ऑफ साइक्लिक थायो एसिटल्स एंड थायो कीटल्स, इनको कैसे बनाया जाता है। रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विद 1,2 and 1,3 थायोल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और लुइस एसिड्स। ठीक है, ये क्या है कार्बोनाइल कंपाउंड, इसकी रिएक्शन जब 1,2 और 1,3 थायोल के साथ की जाती है इन प्रेजेंस ऑफ लुइस जो है एसिड दैट इज BF3, तो हमको यहाँ पर थायो एसिटल्स मिलते हैं। ओके, सेकेंड जो रिएक्शन है ये क्या है, साइक्लिक बिस एसिटल 2 moles ऑफ जो है वो थायोल्स के साथ रिएक्शन होती है इस प्रेजेंस ऑफ HCl एंड वी गेट बिस 1,3-dithiene और 1,4-diene। ओके, फिर ये होता है क्लीवेज, राइट। क्लीवेज जो है यहाँ पर क्या है, ये जो है आपका R तो कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ये एक आपका साइक्लिक कंपाउंड है X इज इक्वल टू H। इस रिएक्शन को जब हम HgCl2 और H2O की प्रेजेंस में कराते हैं तो यहाँ पर कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ये क्या है आपके थायोएसिटल्स हैं, इस रिएक्शन को हम DMSO और जो है एक्वस मिथाइल मिथेनॉल और मिथाइल आयोडाइड की प्रेजेंस में कराते हैं और इन प्रेजेंस ऑफ जो है ACOH, राइट, तो हमको कार्बोनाइल कंपाउंड मिलता है, राइट। देन आता है प्रिपरेशन ऑफ 1,3-oxathiolens, ठीक है ना। ये किस तरह से बनाया जाता है, इस कार्बोनाइल कंपाउंड, इसकी रिएक्शन जब हम मरकैप्टो इथेनॉल के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, तो हमको हेमीथायो कीटल्स मिलते हैं। ये क्या है, मोनोथायो कीटल, राइट। फिर इसका क्लीवेज होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड अल्ट्रावायलेट लाइट, तो यहाँ पर कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, राइट। ओके, तो आज हम लोगों ने प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप को डिस्कस किया है, राइट। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स।